मित्रों, आज मैं आपको एक दिलचस्प मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने शत्रु को अपना मित्र बना सकते हो और शत्रुता की परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हो। मित्रों, इस प्रयोग में हम सर्वशक्तिशाली श्री गायत्री मंत्र और काम बीज क्लीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे, काम बीज का प्यार और मोहब्बत से गहरा रिश्ता है। शत्रुनाशक गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भूभुवर्ण स्वाहा तत्स्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्लीं 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 क्लीं। मित्रों, मैं वापस एक बार गायत्री मंत्र बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम भूभुवर्ण स्वाहा तत्स्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्लीं 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 क्लीं। अब मंत्र प्रयोग इस प्रकार से है। मंत्र के उच्चारण के समय आपने यह सुना ही होगा कि अंत में हमने चार बार क्लीम बीज का इस्तेमाल किया है। सर्वप्रथम आपको यह ध्यान में रखना है कि इस प्रयोग के दौरान आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तब आपने सोचना है कि गायत्री माता एक सिंह पे विराजमान है और आपके दुश्मन को दुश्मनी भुलाकर आपको आपका दोस्त बना रही है। अब आगे यह मंत्र प्रयोग आपको लाल रंग के कपड़े परिधान करके करना है। शत्रु का नाम आपको एक साबुत पीपल के पत्ते पर रक्त चंदन की स्याही से, एक अनार कलम से लिखना है। उसके बाद आपको रक्त चंदन की
की जापमाला लेकर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। हर बार मंत्र जाप करने के बाद आपको एक छोटे से चम्मच से उस पीपल के पत्ते पर पानी छिड़कना है। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गायत्री माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी।